जांजगीर चंपा के शिवसेना जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह गहलोत के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर बताया कि चंपा में बिर्रा फाटक के पास संचालित अरविंद इंडस्ट्रीज द्वारा शासन के नियमों पर मापदंड को ताक में रखकर मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस इंडस्ट्रीज में मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि से कोई सुविधा नहीं दी जाती, जिससे मजदूरों को जान माल का खतरा से जूझना पड़ता है। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अरविंद चांपा जो है वहाँ पे राजकुमारी केवट जो श्रमिक है वो वहाँ पे कार्यरत थी, जो वहाँ पे जो पत्थर की पिसाई की जाती है उस क्रेशर के पट्टे में फंसने से उनके गर्दन में साड़ी फंस गई। साड़ी फंसने से गर्दन की हड्डी टूट गई है, जिनकी इलाज यहाँ के चांपा के प्राइवेट हॉस्पिटल नायक यहाँ कराया गया था। उसके बाद इलाज अंगयंत्र किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। एक तरफ उद्योगपति के द्वारा इसकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं दी जाती है, और शासन प्रशासन के भी जानकार जो लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो इनकी जानकारी इनके द्वारा लिया नहीं जा रहा है। और जो संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार की सहायता राशि इलाज के लिए उद्योगपतियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। वो आज शिवसेना के द्वारा माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंप कर हमने जो पीड़ित व्यक्ति है उनको एक मुआवजा दिया जाए और संबंधित उद्योगपति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी दोषी व्यक्ति हैं, और लगातार अधिकारियों के द्वारा उस उद्योग के खिलाफ में पहले भी हमने कई बार ज्ञापन सौंपा। उस उद्योग में जो पत्थर की पिसाई की जाती है, जिससे सिलिकोसिस नामक एक बीमारी होती है, जो मौत के घाट बहुत लोग उसमें उतर चुके हैं। उससे पहले भी उसी उद्योग में सरिता जो थी उनकी मृत्यु हुई थी, जिस पोस्टमार्टम पे बहुत दबाव पे ले लेके पोस्टमार्टम किया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उनको भी न्याय नहीं प्रदान किया गया। दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभी भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज शिवसेना का मांग है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, और कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो शिवसेना आंदोलन के बाध्य होगी। जांजगीर चंपा से।